लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। मेरे नखून तक खींच ले मेरे पैरों के मेरे साथी जानते हैं इस बात को। और जब मैं जेल से आया, आपके यहां भी बिजनौर में गोलियां चली, आप इस बात को जानते हो। यही नहटोर में चली, यही नजीबाबाद में चली, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, कई लोगों की जान गई, मेरठ में चली। मैं सबके घर घर गया है बताने के लिए कि अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि बाकी नेता तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं रुक पाता। इसलिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं उतने षड्यंत्र किए जाते हैं। और तो और, सरकारें जब ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक नहीं पाती तो मेरे ऊपर गोलियां चलाती हैं। आपके प्यार आशीर्वाद से इनकी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर एक भय, और ये भय मैं दूर करना चाहता हूं। आपको ये लगता है और आपको बार बार ये बताया जा रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर का साथ देने से आप कमजोर हो जाओगे। मैं आपके याद दिलाता हूं, पहले आपने जब बाबा साहब अंबेडकर आंदोलन चला रहे थे तब आपने आरपीआई का साथ दिया, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का साथ दिया। फिर जब बाबा साहब चले गए आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जनता दल का साथ दिया, और जब माननीय काशीराम आपके घरों पे आते थे तो आप उनको कहते थे कि आप फलानी पार्टी को कमजोर करने के लिए आए हो। आप उनकी बात को शुरुआती दौर में नहीं सुनते थे, फिर एक समय आया जब आपने उनका साथ दिया तो आप ताकतवर हुए, और जब आप ताकतवर हुए तो आपकी जिंदगियों में परिवर्तन आया। आज मैं उसी दौर में हूं, आज फिर आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है चंद्रशेखर का साथ देंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। जब आप माननीय काशीराम साहब का साथ देके ताकतवर हुए तो अपने खून चंद्रशेखर आजाद का साथ देके आप ताकतवर कैसे नहीं होंगे, बताओ। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, यह लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है, यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक समय था जब माननीय काशीराम साहब गली गली और हर प्रदेश में जाके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे, और जहां बाबा साहब अंबेडकर ने आंदोलन छेड़ा, जहां बाबा साहब अंबेडकर ने आंदोलन छेड़ा, उस महाराष्ट्र की धरती के सभी नेताओं ने माननीय काशीराम साहब को यह कह के हटा दिया कि आपके बस का नहीं है, आप नए आए हो, आप नहीं कर सकते हो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। और वो बार बार ये कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन इससे हम लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कहते तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। माननीय काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, उसी विचारधारा का झंडा डंडा पूरे देश में लहरा के दिखाया, ताकत बना के दिखाई। उनके आंदोलन की खूबी थी कि उनके आंदोलन से ऐसे नेताओं का निर्माण हुआ जिनके पैरों में चप्पल भले ही दो रंग की हो, जिनके घरों में भले ही छत ना हो, जिनके पास बड़े बड़े महल ना हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन यह आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए, और जब माननीय काशीराम साहब चले गए, यहां के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी, ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ वोट हमारा राज तुम्हारा नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा किसने दिया?
जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को जगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने ये किया कि 2006 में जैसे माननीय काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ और आप देखो आज क्या हालात हो गई है। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुल्म जाते अत्याचार हुए, सीएनपीआर एनआरसी जैसे मामले आए, दो ब्रेल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहां लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग आए उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लोगों का आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया, किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिला घर से नहीं निकल पा रही, जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक बालिक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया, और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता है क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहां के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो, आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहां के। लेकिन यहां गरीबों को की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20,000 लोगों की जान चले गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को, जिनके घरों में इनके घरों के चिराग बुझ गए, और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती है, इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकार द्वारा। और अजय 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहां दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई, और यहां के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे आदर के बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से, और पूछता कि बताओ, हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए, इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ, अगर यहां गरीबों की बच्चे सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं हो, सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ, हर जुल्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने वोट देके बनाया वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पढ़ के सोता रहा, और आपका चंद्रशेखर जो आपका बेटा बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी पे बिठा दो, और आप चाहो तो किसी को कुर्सी से पटक के जमीन पे बिठा दो, ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनके उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसी आती है?
आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए, आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो। मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब की एक बात को गिठा बांधी, उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं